बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे यूनिट 15 के एमसीक्यूज और यूनिट 15 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलें स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स के मुतालिक आपने बताना है इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए कहता है Unlike poles repel, ऑप्शन बी कहता है Like poles attract, ऑप्शन सी कहता है Magnetic poles do not affect each other, ऑप्शन डी कहता है A single magnetic pole does not exist। बताएं बच्चों कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन है, सोचें और टिक करें राइट आंसर को। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, A single magnetic pole does not exist। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी को। नंबर 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है। ऑप्शन ए फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऑप्शन बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन सी है फ्रॉम साइड टू साइड, ऑप्शन डी है देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सोचें और टिक करें राइट आंसर को। जी बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन बी को। नंबर 3, द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय आर्म। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कैसे। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्मॉल मास, ऑप्शन बी स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन सी स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक कंपास। बताएं बच्चों किसकी मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। सोचें और टिक करें राइट आंसर को। यहां पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मैग्नेटिक कंपास। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी को। नंबर 4, इफ द करंट इन अ वायर विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। करंट को इंक्रीज किया जाए वायर में और वायर कहाँ प्लेस की गई है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। द फोर्स ऑन द वायर, फोर्स जो होगी वायर पर वो क्या होगी। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी है रिमेन द सेम, ऑप्शन डी है विल बी जीरो। बताएं बच्चों फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, सोचें और टिक करें राइट आंसर को। यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंक्रीजेस, फोर्स बढ़ जाएगी। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन ए को। नंबर 5, अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स। डीसी मोटर कन्वर्ट करती है, क्या कन्वर्ट करती है। ऑप्शन ए मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी मैकेनिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। बताएं बच्चों इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है अबाउट डीसी मोटर। सोचें और टिक करें राइट आंसर को। जी जनाब यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर क्या करती है, अ डीसी मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन सी को। नंबर 6, विच पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ कॉइल एवरी हाफ साइकिल। ऑप्शन ए है द आर्मेचर, ऑप्शन बी है द कम्यूटेटर, ऑप्शन सी है द ब्रशेस, ऑप्शन डी है द स्लिप रिंग। बताएं बच्चों इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है, सोचें और टिक करें राइट आंसर को। जी बच्चों यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द स्लिप रिंग। स्लिप रिंग्स क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी को। नंबर 7, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन का इंतखाब करना है आपने। ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी चार्ज, ऑप्शन डी मोमेंटम एंड ऑप्शन डी है एनर्जी। बताएं बच्चों यहाँ पर
कौन सा आंसर फिट करेंगे तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सोचें और ठीक करें राइट आंसर को। जी बच्चों, यहाँ जो राइट आंसर है वो है एनर्जी, ऑप्शन डी। इसको पढ़ते हैं हम। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो हम चूज करते हैं ऑप्शन डी को। नंबर 8, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के मुतालिक बताना है आपने, कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज द इनपुट करंट, ऑप्शन बी है इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, ऑप्शन सी हैज मोर टर्न्स इन द प्राइमरी, ऑप्शन डी हैज लेस टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। बताएं बच्चों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सोचें और टिक करें राइट आंसर को। जी बच्चों, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो वोल्टेज इनपुट के आ रहे होते हैं उनको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करके जो ट्रांसफार्मर हमें वोल्टेज देता है उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो ट्रांसफार्मर हमें डाउन करके देता है वोल्टेज उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन बी को। नंबर 9, द टर्न्स रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, अगर टर्न रेशियो 10 हो ट्रांसफार्मर का तो इसका क्या मतलब होगा। ऑप्शन ए आई एस सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू 10 और ये प्राइमरी करंट आ गया। ऑप्शन बी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एन पी ओवर 10 हो गया। ऑप्शन सी एन एस नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज इक्वल टू 10 और नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। ऑप्शन डी वी एस इज इक्वल टू वी पी, वी एस सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होगा इज इक्वल टू होगा प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज डिवाइडेड बाय 10। बताएं बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी एन एस इज इक्वल टू 10 एन पी। इसका मतलब यह है सेकेंडरी कॉइल के जो टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो 10 टाइम ज़्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल से। ठीक हो गया, तो इसलिए हम चूज़ करेंगे ऑप्शन सी को। तो बच्चों ये थी आज की छोटी सी क्लास। आपने रखना है अपना बहुत सा ख्याल और करनी है बहुत सारी स्टडी। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।